हेलो माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरुक रसोई में आप लोग का स्वागत है। ये कुछ खड़े मसाले ऐसे ही चाट बीन के ले लिए गए हैं। अच्छे से बहुत सारे मसाले थे और इसमें काले मिर्च, साबुत धनिया, साबुत जीरा, ये लहसुन अदरक, लाल मिर्च है और तीन चार तेज पत्ते हैं, दालचीनी है, लौंग है, बड़ी इलायची है और प्याज को काट के रेडी कर ली गई है। इस तरह इसको थोड़ा सा इसको रोस्ट करके सभी खड़े मसाले को, जो साबुत धनिया है, अच्छे से कर लिया जाएगा और इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। इस तरह रोस्ट करके इसको कूट लिया जाएगा खलबट्टे में। देखिए ऐसे ऐसे कूट लेते हैं। इसको दो बैच में कूटा गया है, एक बैच में रेडी नहीं हो पाता क्योंकि जो सब्जी बनेगी हांडी मटन के हिसाब से उसके हिसाब से मसाले लिए गए हैं। मेहमान ज़्यादा आए हुए थे तो सोचा गया कि इस तरह पार्टियां होंगी, तो अक्सर मेहमान जब आ जाते हैं ज़्यादा तो इसी तरह रेडी करने पड़ते हैं सारी चीज़ों को। बहुत सारे लोग हैं, हर साल ठंडी में एक बार ज़रूर बनता है। पिछले साल भी बना हुआ था तो मेरा चैनल नहीं था, इस साल बना हुआ है तो मैं सोची अपने फ्रेंड्स एंड माय फैमिली को शेयर कर दूं। इसी तरह सेकंड बैच के भी मसाले कूट के रेडी कर दिए गए, उसमें कसूरी मेथी डाल दी गई है और सारे मसालों को एक एक करके डाल दिए जाएंगे। कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर 3 छोटी चम्मच और ये गोइठा है, कंडा कहा जाता है, उसको काउकटंग भी कहा जाता है, तो उसको हथौड़े से ऐसे तोड़ तोड़ के कर लिया गया है टुकड़े में। देखिए कैसा होता है, इस तरह होता है लंबा सा। और ये हांडी है मिट्टी का, उसमें मिट्टी से लेव किया गया है चारों तरफ हांडी पे। उसके साथ एक परई का ढक्कन है। ये मटन है, इसको अच्छे से धुल लिया जाएगा सफाई के साथ। मटन बहुत ही कम आते हैं क्योंकि इसमें पकने में टाइम भी लगते हैं और घर पे वैसे तो घर पे कोई खाने वाला रहता नहीं है, बस दो ही लोग रहते हैं, हस्बैंड और मैं भी छोड़ दी थी बट बाद में फिर खाना शुरू कर दी। तो इस तरह जब गेस्ट आते हैं तो ये बनता है, वो लोग खाते हैं। धुल के रख दिया गया और ये जो कंडे तोड़े गए थे उसको अच्छे से सजा के एक के ऊपर एक करके थोड़ा सा मिट्टी का तेल या पेट्रोल डाल के उसको जला देना है। ये देखिए कढ़ाई में मटन डाल दिए गए, उसके बाद प्याज और जो मसाले रेडी किए गए थे सारे मसाले डाल दिए जाएंगे। ये लाल मिर्च जो है और हरी लहसुन, ये सारी चीज़ें डाल दी गई हैं। ये जो है गैस पे मैं तेल गरम करके लाई थी और हांडी में ऐसे ही डाल देना है। तेल जैसे तड़के के लिए गरम किए जाते हैं उसी तरह एक कटोरे में गरम कर लेना है। और जो साइड में तेजपत्ते 3-4 रखे गए थे, दालचीनी, बड़ी इलायची, 2 लौंग उसको डाल देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग जो कढ़ाई में सारी चीज़ें डाली गई उसमें नमक भी ऐड कर दिया जाएगा और सबको मिक्स करके ऐसे रेडी कर दी जाएगी। बहुत ही टेस्टी बनेगा। हांडी के रेसिपी ऐसे ही बनते हैं। आप लोग कैसे बनाते हैं, आपके वहाँ गांव शहर में कैसे बनता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे सारे चीज़ों को जो मटन है मिक्स किया हुआ सबको इसमें डाल दी जाएगी और मैं साइड में आटा ला के रखी हूँ गूंथ के। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। और थोड़ी सी पानी डाल दी जाएगी कुक होने के लिए। इसमें जो कढ़ाई में सारी चीज़ें रखी गई थी उसको धुल के उसी में पानी डाल दी जाएगी। कम से कम एक छोटे से बाउल के हिसाब से 100 ग्राम के आसपास पानी डाली गई है और चारों तरफ इस तरह आटे की लोई फैला के इसको चिपका दी जाएगी। अच्छे से चिपकाना है, मेन काम ही है सावधानी पूर्वक इसको चारों तरफ से इसका आटे की लोई को लगा के उसके बाद परई को उसी में फिक्स कर देना है। ऐसे करके देखिए दिख रहा है ना आप लोगों को, ऐसे ही फिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा चेक कर लेंगे चारों तरफ से जो आटे की लेई है, ऐसे फैलाते जाएंगे धीरे धीरे से, अच्छे से फिक्स कर देंगे। देखिए चारों तरफ से अब फिक्स हो गया है। अब इधर जो कंडे जलाए गए हैं उसको देख लेते हैं कि जले कि नहीं। कुछ अच्छे से जल जाने चाहिए, ऊपर तक आग जो होते हैं हो जाने चाहिए। देखिए अब जलते हुए बढ़ते जा रहे हैं, इसको अच्छे से पहले जला लेंगे, पूरा ये जल जाएगा तब हांडी को उस पर रखना है। अब इसको ऐसे फिक्स करना है कि हांडी हमारा गिर ना जाए, अच्छे से चारों तरफ से गोलाई में कर देना है और ये जलता हुआ इस पर कुक होता रहेगा। अब इसको 1.5 घंटे तक इस पर छोड़ देंगे,
धीरे धीरे बीच में हिलाते जाएंगे इसको। इसको चलाना नहीं होता है, हांडी को ही उठा के हिलाना होता है, और थोड़ा सा बीच बीच में 15-15 मिनट के अंतराल में ऐसे ही हिलाते जाएंगे। देखिए अब ये जलता जाएगा, इस तरह कुक होगा। आयधन में और भी खाने रेडी कर रही थी, रोटी चावल सलाद वगैरह काट उठ के अब मैं इधर तैयारी कर लूँगी जब तक ये कुक हो रहा है। चारों तरफ से कांटे को इसी तरह लगाते जाएंगे कि हांडी फिक्स हो जाए अच्छे से। ये दादी अम्मा की पद्धति के अनुसार बनाई जा रही है। कभी कभी किसी किसी रेस्टोरेंट में आप देखते होंगे जहाँ पे हांडी मटन मिलते होंगे, हांडी चिकन मिलते होंगे, बहुत ही महंगे मिलते हैं। इस तरह आप लोग घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। हांडी मटन इसी तरह बनते हैं। जिन लोगों को हांडी मटन पसंद है या हांडी चिकन पसंद है, ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घर पे बना के, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए ऐसे बीच में हिला दिए जाते हैं, इसमें कुड़कुड़ की आवाज़ आ रही थी जैसे पानी बॉयल होती है, उसी तरह बीच बीच में ऐसे ऐसे करके हिलाते हैं, फिर कंडे को फिक्स करते हैं। बहुत ही सावधानी से करनी होती है, बहुत ही स्वादिष्ट और इसके स्वाद बहुत ही अमेजिंग होते हैं। टेस्टी टेस्टी खाना खाना है तो आ जाइए आप लोग। इसी तरह बार बार ऐसे बीच बीच में हिलाते जाना है, फिर उसी पे रखते जाना है। अब थोड़ा कुक हो गया है, थोड़ी देर और कुक करना है, 20 मिनट्स और बाकी हैं, थोड़ी देर और रख देते हैं। अब देखिए ये कुक हो चुका है, अब इसको दिखाते हैं। देखिए आटे की लोई जो है वो उसमें गिर गई है, ऐसे करके निकाल लेते हैं पहले आटे की लोई जो है। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया हुआ है, बहुत ही शानदार। इसकी स्मेल इतनी अच्छी लग रही थी, मैं आप लोगों से क्या बताऊं, बहुत ही अमेजिंग सी स्वाद थी। और ये मटन का जो ये फ्लेवर था टेस्टी सा, वो आप एक बार खाते तो बार बार इसी तरह हांडी मटन और हांडी चिकन घर पे बनाते। देखिए कितने अच्छे टेक्सचर आए हुए हैं, इतने टेम्पटिंग लग रहे थे कि आपको नानी और दादी अम्मा की याद दिला देगी ये रेसिपी, टेस्टी टेस्टी खाना। तो देखिए इस तरह रेडी हो चुका है। इसमें धनिया पत्ती कोरिएंडर लीफ डाल दी गई है, थोड़ी देर इसको डाल के ऐसे मिक्स करके चला देंगे। अब बच्चे सब रेडी है खाने के लिए, पहले बच्चों को खिला दिए जाएंगे। अब प्लेटिंग रेडी हो चुकी है, आइए आप लोग खाइए, बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग सब बना हुआ है। एक एक करके जितने गेस्ट आए हुए हैं उन लोगों को दी जाएगी, बच्चों को पहले इसलिए दी जा रही है, बच्चे खा के उन लोग सोना है, काफ़ी देर हो गया था बनाने में और काफ़ी रात भी होती जा रही थी। तो प्लेटिंग हो गई है, अंधेरा भी है, देखिए बच्चे कितने चाव से खा रहे हैं। यकीन मानिए मेरे बच्चे जो एक रोटी आधा रोटी खाते थे, उस दिन उन्होंने दो रोटियां खाई, 2 से 3 रोटियां और मांग रहे थे। खुशी खुशी। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।